इस पे एंट्री कार वाला दूसरी बॉल में पहला छक्का छे हो गए मान लेफ्टी आज मान राइटी हो गया ओ छक्का अब बच्चा तू रे डोडाला चरगा लाग गया जी वही चैलेंज है छे बॉलों पे छे पे तीन मिस ये प्लेयर इंजर्ड हो गया हमारा Assalamualaikum, welcome back to another new vlog. तो गाइस आप सोच रहे होंगे किधर आसमानों पे चढ़ा हुआ है इस छत पे आया हूँ टंकियां देखनी थी पानी लगाया हुआ मोटर ऑन है तो पापा ने कहा पहले साथ वालों की पड़ोसियों की फुल करो फिर अपनी फुल करो तो वही चेक करने आया था कितना को पानी हुआ फिर वाल शाल चेंज करना है खिदमत खल्क हो रही है रोजे में फिर आज आपका भाई ना बड़ा थोड़ा सा उदास सा है उदासी की वजह यह है कि रात को मैं सहरी वहरी करके जल्दी सो गया था मतलब 1:30 बजे तो अभी सुबह उठूँ तो पता लगे अम्मी जी बीमार है रात को उनके नाक से कुछ ब्लड ब्लड लाया बीपी शूट कर गया तो अभी छोटी सिस्टर जो है लेके गई हैं हॉस्पिटल तो इस वजह से भाई आपका उदास है तो अम्मी जी के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और कोई ऐसी मतलब कोई ख़तरनाक बात ना हो तो अल्लाह उनको जल्दी सेहत याब करे क्योंकि माँ बाप के बगैर दुनिया ना आपको खा जाती है तो सीन कुछ ऐसे हैं और बाकी मामलात ऐसे हैं कि अम्मी और आज हैं फिर उनसे पूछते हैं क्या कोई डॉक्टर ने कहा क्या नहीं कहा तो अभी मैं उतरता हूँ पानी शानी देख के नीचे जाते हैं तो आज क्लब भी जाना है और जिम भी जाना है और हाथ मेरा जो है सेट नहीं हुआ कल फिल्टर पे गया था पानी भरने जीते हम फिल्टर वाला पानी है वो कैन शैन उठाया ना तो फिर जार्क निकल आया पहलवान ने कहा था रेस्ट करने का रेस्ट मिला नहीं और जिम भी जाना है जिम इसलिए जाना है कि आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं 3-4-5 तो वो 5-6 छुट्टियां इकट्ठी होंगी तो अभी भी छुट्टियां करूंगा तो फायदा नहीं है खैर लगा रहता ही चलता रहेगा इंशाल्लाह काम हम भी चल रहे हैं काम भी चल रहे हैं चलते चलते हम भी गुजर जाएंगे लेकिन काम खत्म नहीं होगा चले उतरता हूँ मैं आसमान से नीचे जमीन पे आ जाता हूँ बहुत उड़ लिया तो मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद तो ये भी जा रहा हूँ मैं नीचे कॉल की है मामा और वहां से आ रहे हैं तो देखते हैं नीचे खड़ा हो तुम घर के बाद आए उनसे पूछ तो क्या कुछ डॉक्टर ने कहा है और क्या कुछ सीन है तो जी गाइस अम्मी और आ गई क्यों जी मलक जी क्या हुआ है तो भैया देख क्या कह रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर कह रहे हैं एक हफ्ते की दवाई खा के फिर आओ टेस्ट करेंगे रोजा तो नहीं रखा नहीं कुछ नाश्ता जैसा किया नाश्ता अब करूं नहीं बात जूस ला के दूं सीरियस मजाक नहीं वीडियो के लिए नहीं कह रहा कसम से नहीं कसम जूस से नाश्ता करूंगा तो जी अम्मी और आ गए हैं दवाई शवाई ले ये डॉक्टर ने 2 हफ्ते की एक हफ्ते की कहो अगर आराम ना या फिर कुछ टेस्ट होंगे तो उसके बाद जाके बताएंगे क्या करना तो दुआ करें अल्लाह पाक इन दवाइयों से शिफा दे दे अभी जा रहा हूँ ऊपर अम्मा होगी थोड़ी सी खिदमत करते हैं फिर नमाज का टाइम होगा नमाज पढ़ के निकलते हैं जिम की तरफ तो जी भाई लोग जाने लगूं मैं जिम जिम जाने से पहले इन खातून को सुकून नहीं है इनको आगे जानने वाले उनके घर उतारूंगा वहां से मैं जाऊंगा जिम जिम में रोहित मेरा वेट कर रहा है तो जल्दी से ड्रॉप करते हैं अंदर तो वहां से फिर मैं निकलूंगा जिम की तरफ वहां से जाएंगे क्लब शॉप तो भाई लोग अम्मी को ड्रॉप करके जिम आ गए हैं और ये चुप्पी हो रही लगता है अभी पहुंचे हैं अजन टाइम शॉर्ट है अब मेरे हाथ में हल्का फुल्का दर्द है वही दर्द फिर छिड़ गया तो जिम वर्कआउट करें कल पानी का कैन उठाया फिर दर्द निकल आया कि प्यासे मार जाइए पापा से कहता उठाओ सोया हुआ था मैं हल्का फुल्का दर्द है लाइट वेट से वर्कआउट शुरू करते हैं दर्द ज्यादा हुआ तो दर ही खत्म कर दें पहले मामा
याद आ रहा है? छोड़ देंगे फिर एक दो एक्सरसाइज और करते हैं, देखते हैं। टूट गया। अल्लाह ना करे मनूस दर्द निकल आया जाता है। एक्टिंग कहाँ से की है जैसे टूट गया? अल्लाह इसकी एक्टिंग तुमसे भी करवाए थोड़ी सी। ओए बहुत जोर से करते हैं भाई लोग, आराम आगे टूटा हुआ है यार, मुझसे तो ना हो पाएगा, दर्द ज्यादा हो जाएगा, क्लब भी जाना है, वहां पे भी देखना है सिस्टम वगैरह, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के रेस्ट, तब तक ये अपना वर्कआउट डन करेगा और आपकी भाभी को लेके घर छोड़ के मैं और रेफा आगे क्लब जाएंगे। बेटा जल्दी मुकाए, टाइम शॉर्ट है। 2 hours later तो गाइस जिम से इसने वर्कआउट किया, मैंने तो किया नहीं, आपके सामने था व्लॉग में, आपको नजर आ जाएगा मेरा हाथ में बहुत ज्यादा दर्द निकला है, और जिम शिम से हो गया फ्री, भाभी आपकी घर छोड़ दिया, अब मैं रेफ और मतीन का वेट कर रहे हैं, जा रहे हैं क्लब। क्लब में उस्मान ने चाबी शाबी वहां पे रख दी और क्लब के बाहर से चाबी पिक करके हम लॉक खोल लेंगे। तो ये लास्ट मैच में रोहित ने एक परफॉर्मेंस की है, मैं मैच जीतवाया, इसकी खुशी में मैं इसको ये शर्ट अपनी और इनर आपको मैं स्पॉन्सर करता हूँ, मेरा नाम और रोशन करो मेरी शर्ट पहन के। थैंक यू भाई, बंदा शुक्रिया बोल देता यार। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो जी पहुंच चुके हम अपने क्लब आफ्टर 2 months। सॉरी उस्मान और ये गए हैं बाहर, ताला लगा हुआ है, चाबी यहाँ पे कहीं पे रख के भैजन जरा झुक के चाबी ताला खोलें। तीन ताला खोलने लगा है, वो पड़ी है चाबी ताले के साथ, मानते हो ना फिर पाकिस्तानी हो आम। और ये चूपा क्या क्या मसला है, मेरा हाथ खराब है तो मुझे चैलेंज कर रहे हैं, पता है मुझे दर्द है, मैं नहीं खेलूंगा, मुझे दर्द है, अबे गेम नहीं लगाई तो अकल आई कर दो दर्द दार एक हाथ के लिए। ओहो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्लब तो बड़ा शुक्र है, कदरे बेहतर है, साफ है। आजमान जी आई लव यू यार, तुमने क्लब को साफ रखा हुआ, व्लॉग देखो कि मुझे गाली ना देना कि बुराई कर रहे थे। दो महीने पहले आए थे ना, चलो वो मैंने उसको मंडा था ना, तो क्लब की हालत कदरे बेहतर है, माशाल्लाह साफ है, ये तो आज रोजे है मुझे साफ करनी पड़ती, तो करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। उस्मान तो है नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके फिर निकलेंगे, क्योंकि सोचा था उस्मान से गपशप करेंगे, पूछने क्लब की सिचुएशन कैसी है, क्या चल रहा है, क्या मामलात है, पर नहीं है वो, क्योंकि तो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर निकलते हैं। ताना तो गाइस ये लड़का मुझे ना छोकरे को मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ में दर्द है, लेकिन ये देखें क्या कह रहा है, क्या कह रहे हो मेरे हाथ में दर्द है, तो कहता छह वाला मारने आपने 3 छक्के एक हाथ से, एक हाथ से कितना हाथ खराब है, कहता एक हाथ से छक्का मार के देखो, चैलेंज है एक हाथ जो मर्जी का, नहीं जो आपको जो मर्जी का, चलो दूसरी बॉल पे पहला छक्का, 6 बॉलों पे 2 छक्के मार रहे हैं, 6 बॉलों पे 3 ये मिस हो गई, और ये मिस 3 बॉले 1 छक्का अगली मान लेफ्टी अपना मेन हाथ ही नहीं इस्तेमाल कर रहा राइट ही हो गए, मान लेफ्टी आज मान राइट ही हो गया, ओ छक्का 2-1 रह गया जी, 2-1 छक्का ए क्यों ये भाई भाई ना एक चार्ज है, लास्ट बॉल है
मिस हो गई। नाजरीन ये चैलेंज रूफी 9 जीत गए और मान राइटी हार गए। गुस्सा दिला दिया मैं दूसरे टूटे हुए हाथ से खेल विचो अब नाजरीन ये कुछ लगाने लगे हैं रोजे रोजे में जो करते हैं काले रोड का चढ़ा लाके काले रोड का चढ़ा वही जो हम आज के साथ खाया था कॉलेज रोड वाला चरगा लाग गया जी वही चैलेंज है 6 बॉल पे 6 पे 3 6 पे 3 मिस ये प्लेयर इंजर्ड हो गया हमारा चैलेंज इधर ही रुक गया रिटायर्ड आउट हो गया प्लेयर ओए होए 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 अस्पत 1122 को कॉल करो आप प्लेयर रह गया ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आहिस्ता मुड़ा जोर का हालत देखी जब मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ किसने कहा था जब मना किया था उसने के रेस्ट कर लो मेरा मजाक में मैं गया हूँ उधर मैं उस्मान के पास गया था उस्मान नहीं था उसका वेट कर रहा था चाबियां और आ गया था तो ऐसी उंगली हुई है उस रोहित के साथ मजाक में ऐसा करो ना तो ऐसे ही कर रही हूँ मजाक में किया तो हाथ मुड़ गया दोबारा हिल रहा भी नहीं था अच्छा काम है मेरे गुस्सा इसको दे दो ये क्या आप भी तो हमारी बनाते हैं हमें चोट लगती है मैं भी बनाऊंगी अब आपकी बनाऊंगी आपकी मैं बंद कर इसको वीडियो बना रही है ये तो आई फ्लैश है भी ऑन हुआ मैंने ध्यान नहीं दिया उसको उनका अपना कुछ लगी मैं बता रहा हूँ दादा को ना बता रहा हूँ उनकी तबीयत आगे खराब है तो बीपी और आई होगा उनको अच्छा क्या मसला है बंद करो उसको तो भाई जब इन डॉक्टर ने मना किया था के जिम भी नहीं जाना और उधर भी नहीं जाना क्रिकेट खेलने और ये चले गए थे और अभी मुझे डांट रहे तो मैं तो बना रही भाई से अपनी वीडियो नहीं बना दे रहे इनकी चीखें निकाल रही है और तो डॉक्टर ने मना किया था जिम जाने से और उधर जाने से क्या कहते हैं क्रिकेट खेलने से और ये गए थे इनकी तो टाइम डिफिश हो गई है और अब आप पता ही डॉक्टर ने मना किया था ना अब ये चीख रहे हैं आप भी सुन रहे होंगे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय मैं दादो को बता नहीं सकती नहीं तो उनके 2 hours later हाँ जी तो भाई लोग आज का व्लॉग टुंडा हो गया आज का व्लॉग तो बढ़ गया इससे आपको यही सीख मिलती है कि जब कोई डॉक्टर या कोई भी ऐसा जो आपको मतलब देख रहा हो कोई बीमारी हो या कोई चोट वोट लगी हो ना उसके बारे में समझाए तो उसकी सुन लेनी चाहिए पहलवान ने मुझे कहा था कि थोड़ा सबर कर दो 4 दिन रेस्ट कर लेना मैंने दूसरे दिन ही पट्टी उतार दी थी उसके बाद अपने मगन में लगा रहूँ कल वो दर्द निकला आज फिर जिम गया हूँ वहाँ पे डम्बल शम्बल उठाए वहाँ पे हल्का फुल्का दर्द हो गया था ठीक है वो छूट गई मैंने रेस्ट मार ली ये क्लब जाके शोखी मारी है ना वो गले पड़ गई अभी तो फिर थोड़ा हिल रहा है उस टाइम हिल रहा भी नहीं था ऑयल लगाने के बाद काफ़ी फर्क पड़ा तो ये देखते हैं रात को कितना कोई फर्क पड़ता है और जी इसी तरह आज का व्लॉग एंड करेंगे एक अच्छी बात के साथ और वो अच्छी बात ये है कि आज आपके भाई का जैसे व्लॉग बढ़ गया ना वैसे मैं मोबाइल भी बढ़ते बढ़ते बैठे जब मुझे दर्द था वहाँ से मैंने उनको कहा जल्दी जल्दी मुझे घर पहुँचाओ मैं बाइक पर बैठूँ तीसरे नंबर पर मैं था कि हाँ सबसे लास्ट में मैं बैठूँ एक ही बाइक ले गई थी दोनों को मैंने कहा रोए फोर में तीन को अपना बाइक इधर ही खड़ा कर लूँ तो जब वहाँ से निकले मेरे क्लब वाले रोड से आ गए हैं बेकरी चौक आता है बेन बेकरी चौक पे मेरी पॉकेट से मोबाइल गिर गया मुझे नहीं पता पीछे एक बाइकिया वाला था वो शोर डाल रहा था अन्ने का पता नहीं क्या ऐसी ही डर रहा फिर मैं 3 बजे का शायद हमें आवाज़ें दे रहा पीछे मुड़े हैं मैंने पॉकेट में हाथ मार मैं क्या चीज़ें पूरी हैं कि नहीं तो मेरा मोबाइल नहीं था तो जिसने मैं मुड़ गई वो बेचारा बाइकिया वाला भी बाइक को किक मार के मारे पीछे आ रहा था कि मैं देने फिर उसमें जब मजाक में कहता कोई जुर्माना शुरमाना तो मैंने कहा जान हाजिर भी आप बताओ क्या लेना है फिर हंस के उसने कहा जी बस दुआ दे देना तो कहने का मकसद ये है कि अभी भी दुनिया में और इंसानों में इंसानियत बाकी है बेचारा गरीब था मेरा मोबाइल ले जाता तो उसका चलो कुछ नहीं
5-6 हजार के बेच देता किसी के आगे बेचने बगैर। उसके दिल में शैतान आता, लेकिन ईमानदार बंदा था। अल्लाह उसकी रोजी रिजक में इजाफा दे, उसकी मुश्किलें आसान फरमाए। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी जो मेरे साथ अभी बाजू पे लगते ही हुई है। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।